एवरीवन, आज मैं आप सबको एक नई जॉब वैकेंसी के बारे में आप सबको बताऊंगी। तो ये जो होगा ये जो जॉब होगा ये होगा फ्लिपकार्ट वायर हाउस में आपका काम। तो वायर हाउस का काम तो आप सब लोग चाहते हैं, बहुत अच्छे से सब लोग फ़ोन करके अभी हम लोग को बताते हैं वायर हाउस का काम। तो अभी आज हम आपके लिए फ्लिपकार्ट वायर हाउस का जॉब का वैकेंसी लेकर आए हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, एंड क्योंकि इस वीडियो में हम काम का पूरा जो डिटेल्स है वो आपको बता देंगे। ये जो होगा आपको फ्लिपकार्ट वायर हाउस का जॉब होगा, इसमें आपको पिकिंग पैकिंग शॉर्टिंग स्कैनिंग ये चारों काम करना होगा। पिकिंग पैकिंग शॉर्टिंग स्कैनिंग ये क्या काम होता है, कैसे करना होता है ये सब काम। ये जो पिकिंग वाला काम है इसमें आपको जो होगा फ्लिपकार्ट वायर हाउस में जो ऑर्डर वाला फ्लिपकार्ट का जो ऑर्डर वाला प्रोडक्ट होता है वो जब प्रोडक्ट जब आएगा वायर हाउस के अंदर गाड़ी करके उस गाड़ी से उस प्रोडक्ट को आपको लोडिंग अनलोडिंग करना होगा, ट्रॉली कार्ट में अनलोडिंग कर अंदर लेकर जाना होगा। ये होगा पिकिंग का काम। इसमें आपको फिर होगा आपका शॉर्टिंग का काम। क्या होता है, जब वायर हाउस के अंदर आप प्रोडक्ट लेकर जा रहे हैं उसके अंदर से प्रोडक्ट को चूज़ कर कौन सा रैक में कैसे रखना होगा, क्या करना होगा, ये होगा शॉर्टिंग का काम। ये सब काम आपको सिखाने के लिए दिखाने के लिए वहाँ पे बंदे रहेंगे, वो आप लोगों को ट्रेनिंग दे देंगे। और इसके बाद आएगा आपका पैकिंग का काम। जो ऑर्डर वाला जो प्रोडक्ट होता है फ्लिपकार्ट का जो ऑर्डर वाला प्रोडक्ट होता है वो सब प्रोडक्ट को आपको पैकिंग करना पड़ेगा। कैसे करेंगे क्या उसके लिए जो बंदे हैं वो आपको दिखा देंगे, टेंशन में कोई बात नहीं है। सब काम ही वहाँ पे दिखाने के लिए आप लोगों को कोई ना कोई होगा जो आप लोगों को वो काम सिखा देंगे। अब पैकिंग के बाद आएगा आपको स्कैनिंग। वो जो स्कैनर मशीन होता है उससे आपको स्कैनिंग का काम हो जाएगा। तो ये होगा चारों काम। और अभी होगा इस पर जो टाइमिंग होगा आपका 9 घंटे का ड्यूटी होगा, सारे दिन में आपको 9 घंटे में ड्यूटी होगा। यहाँ पे वायर हाउस में दोनों शिफ्ट में काम होता है, फ्लिपकार्ट वायर हाउस में दोनों शिफ्ट में काम होता है, डे होता है नाइट होता है। अगर मान लीजिए सुबह 9 बजे से टाइम स्टार्ट होगा तो शाम 6 बजे तक, और उधर में रात को भी आपको 9 बजे से काम स्टार्ट होगा। ऐसे 9 घंटे का ड्यूटी होगा और 26 दिन का ड्यूटी होगा। हफ्ते में एक दिन करके आपको छुट्टी मिलेगा, वो किसी भी दिन एक दिन छुट्टी मिलेगा, संडे ही होगा, ऐसे कोई बात नहीं है क्या कि संडे ही छुट्टी मिलेगा। हो सकता है एक हफ्ते आपको थर्सडे मिलेगा छुट्टी, तो दूसरे हफ्ते में आपको संडे मिलेगा, ऐसे करके रोटेट होकर छुट्टी मिलेगा। अब है सैलरी का जो बात है, इसमें आपका ग्रॉस सैलरी होगा 14,000। फ्लिपकार्ट वायर हाउस में आपका ग्रॉस सैलरी होगा 14,000 रुपये। इसमें से आपको 12,800 रुपये आपका अकाउंट में पर मंथ आएगा। वायर हाउस में जो पेमेंट होता है वो अकाउंट में मिलेगा, तो 12,800 रुपये आपको पर मंथ मिलेगा। उसके बाद आपको पीएपीए से मिलेगा। और यहाँ पे जो होता है ड्यूटी आवर्स तो बोले थे मैंने 9 घंटे, और सैलरी होगा 14,000, उसमें से 12,800 मिलेगा आपको पर मंथ, उसके बाद आपको पीपीए से मिलेगा। इसका जो एज लिमिट होता है, एज लिमिट आपका होगा 18 से लेके 36 तक, मतलब 18 to 36 तक आपका एज लिमिट होगा। यहाँ पे 18 से लेके 36 तक कोई भी बंदे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर मेल बंदे आप लोग अप्लाई करेगा, फीमेल के लिए वायर हाउस में कोई काम नहीं है। तो आप लोग सब फ़ोन कर पूछते हैं कि फीमेल का कोई काम होगा, नहीं, फीमेल का वायर हाउस में काम नहीं होता है, ये सिर्फ मेल का काम होता है। और इसका जो क्वालिफिकेशन, मिनिमम 8 पास और मिनिमम 10 पास होना ज़रूरी होगा, और इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी होगा। तो और एक बात बता दूँ, वायर हाउस कभी जंक्शन में या सिटी में नहीं होता है, वायर हाउस हमेशा विलेज एरिया में होता है। तो हाईवे के बाद में पास में जो इलाका होता है उसमें आपको वायर हाउस होता है। तो आपको वहाँ पे जाकर रहना खाना सब कुछ आपका खुद का होगा। वहाँ का जो रूम लोकेशन हो गए हम बता देंगे। आप लोग बाहर के आदमी जो बंदे अप्लाई करना चाहते हैं और मत टेंशन मत कीजिएगा, कहाँ जाकर रूम लेंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, वो सब हम आपको गाइड कर लेंगे। कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे आपको रूम मिल जाएगा, रूम का रेंट सब कुछ हम गाइड कर लेंगे। तो आपको जाकर सिर्फ रूम को वहाँ पे रेंट पे लेना होगा और डॉक्यूमेंट्स जमा देकर काम करना होगा। तो खाना रहना खाना टोटली आपका खुद का होगा। खाने के लिए भी आप चाहे रूम पे बना कर खा सकते हैं, चाहे होटल से मंगा कर खा सकते हैं, जैसे भी खाए, खाना भी आपका होगा, रूम भी अपना आपका होगा।
तो जो जो बंदे इसमें अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। वेयर हाउस का वैकेंसी अभी चल रहा है और अभी जो है ये जॉब चार्जेबल होगा। और एक बात आपको बता दूँ, ये जो जॉब है फ्लिपकार्ट वेयर हाउस का जो जॉब है ये चार्जेबल जॉब है। तो और भी आप सबको एक रिक्वेस्ट है मेरा कि मैं हम लोग जो वीडियो छोड़ते हैं इस वीडियो को पूरा एंड तक आप लोग देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्स बता देते हैं। उसके बाद भी आपको कोई जानकारी हो या आने के लिए आप इस वीडियो में जो मोबाइल नंबर रहेगा उसमें कॉल कीजिएगा, लेकिन आने से पहले आप पहले पूरा कन्फर्म होकर ही आइएगा, क्योंकि इतनी दूर से आते हैं फिर आकर लौट मत जाना। तो यहाँ पर हमारे यहाँ स्पॉट ज्वाइनिंग होता है, तो जो जो बंदे इसमें अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो वीडियो में जो मोबाइल नंबर रहेगा और दूसरा जानकारी के लिए इस मोबाइल पे कॉल कीजिएगा, नंबर पे हम लोग गाइड कर लेंगे। थैंक यू।